Hello and welcome to the 20th episode of Mission and Mission. I am ADITYA and you are watching The Social Indian. In this video, we will be dealing with the question that you were asking in comment section. How to deal maths in last few days? Now, in this video, we will tell you last minute preparation tips. Maths ko aap kaise prepare kar sakte hain last minute pe jab aapke paas 2 ya 3 din bache hue hain sir ke upar to log hame ye keh rahe the ki sir hum maths ko chhod dena chahte hain hum soch rahe hain ki maths ko chhod dein koshish kare kyunki baki hamara acha hai subject aur maths agar hum nahi karte hain to kitna fark pad jayega 4-5 question aane hain zyada fark padega ki nahi padega zyada zyada NTA karwa rahi hai to 8-9 question aa jayenge to usse kitna fark padega aur ek aur baat jo log bar bar har bar pooch rahe the wo ye thi ki मैथ्स कितना वेटेज रखता है एनटीए के आने से कुछ बढ़ेगा या घटेगा तो इस वीडियो में हम आपको माइन्यूट टू माइन्यूट स्ट्रेटेजी बताएंगे मैथ्स के लिए कि आप लास्ट मिनट में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं दूसरा हम आपको बताएंगे कि एनटीए के आने से क्या फर्क पड़ता है मैथ्स के ऊपर ज्यादा वेटेज आएगी कम वेटेज आएगी क्या फर्क पड़ता है और तीसरा हम बताएंगे मैथ्स शुरू करने के लिए अभी आपको लास्ट डेज पे कितना टाइम चाहिए कितना टाइम आपको देना होगा और कैसे ये हो सकता है और चौथी होगी हमारी मास्टर टिप जो मास्टर टिप आपको गांठ बांध कर रखनी है दिमाग में सजो कर रखनी है और भूलना नहीं है इसे क्योंकि अगर आप इसे भूलते हैं तो भूल जाइए कि आप एडमिशन लेने के काबिल हैं या नहीं है वो बात की बात आएगी लेकिन अगर आप ये भी नहीं याद रख पाते हैं तो बहुत शर्म वाली बात होगी और हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन इसीलिए इस मास्टर टिप को आप रखिए याद अब जब मैथ्स की बात हम करते हैं तो मैथ बेसिकली जो है वो 10 चीजों को कंस्टिट्यूट करता है 10 चीजों के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है और सिर्फ इन 10 चीजों से ही सारा मैथ्स बना हुआ है DLLB के लिए भी आपको यही पढ़नी है सबसे पहले आ जाता है एवरेज फिर आती है DI यानी डाटा इंटरप्रिटेशन फिर आता है परसेंटेज फिर आता है रेशियो प्रोपोर्शन फिर आता है टाइम डिस्टेंस फिर आता है बेसिक अर्थमेटिक्स नंबर सिस्टम प्रॉफिट लॉस सीरीज टाइम एंड वर्क अब जिंदगी बहुत आसान है वैसा ही है मैथ्स तो इसे हार्ड मत बनाइए टफ मत बनाइए जो आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है आप कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं तो कट ऑफ होती है लोगों की एवरेज कितने लोगों के कितने मार्क्स आए हैं उसे कहते हैं एवरेज और उस एवरेज से आपको पता लगेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा तो इस वाली एवरेज को छोड़ के मत जाइएगा इजी होती है जितनी ऑब्जर्वेशन दी है उनको प्लस कर दीजिए डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दीजिए आपकी एवरेज निकल आती है आसानी से उसमें क्वेश्चन ये दिया जा सकता है कि अगर एवरेज इतनी थी इतने बच्चों की इसको ऐड करने के बाद क्या होगा फर्क पड़ेगा इसको रिमूव करने के बाद क्या फर्क पड़ेगा इजी क्वेश्चन है इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे माइनस प्लस के क्वेश्चन है आपके लिए हो जाएंगे अब हम आते हैं परसेंटेज पर स्कूल में आई थी हमारी परसेंटेज कम कॉलेज में आई उससे भी ज्यादा कम लेकिन यहाँ पर आपको परसेंटेज करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा क्योंकि परसेंटेज मैटर करती है एट लास्ट जब आप DU का फॉर्म भर रहे थे तो आपको 50% चाहिए थी अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 50% मार्क्स चाहिए एंट्रेंस में अब अगर आप 50% ले लेते हैं तो आप अंदर हैं नहीं तो बाहर हैं इसीलिए परसेंटेज हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल तरीका यह है कि किसी भी चीज़ को 100 के उस पार्ट में ले आओ तो उसे कहते हैं परसेंटेज और ये परसेंटेज के लिए आपको क्वेश्चन आ सकते हैं आर्टिकल्स पे कि इस आर्टिकल की कीमत इतनी परसेंट है इसकी ये हो सकता है या फिर परसेंटेज में पेन पेंसिल वाले आर्टिकल्स आते होते हैं क्वेश्चन आते होते हैं उनको करिए फोकस उसके बाद आते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन में रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं देखने में ही बहुत आसान होते हैं पी अपॉन क्यू आप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये लास्ट मिनट टिप्स मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप ये चीज़ें पढ़ लें और इनको पढ़ने के बाद आपका मैथ क्लियर हो जाए अब जब आप मेट्रो में बैठकर आएंगे ये एग्जाम्पल मैं पहले दे चुका हूँ गाड़ी में आएंगे ट्रेन में आएंगे बस में आएंगे एग्जाम सेंटर तक पहुँचने के लिए तो कितनी देर में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये होता है टाइम और डिस्टेंस यहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है टाइम स्पीड और डिस्टेंस टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन जो मेनली वो आते हैं एवरेज स्पीड पर तो एवरेज स्पीड पर पूरा फोकस रखिएगा उसमें आपको ये भी बताना होता है कि इधर से ऐसे इतना टाइम लगा तो उसमें कितना टाइम लग सकता है आसान आसान क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आते नहीं हैं तो टेंशन की बात है नहीं बेसिक अर्थमेटिक्स में प्लस माइनस के क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो यहाँ पर आपको देखने के लिए शायद ना मिले तो थोड़ा इधर उधर से कोई क्वेश्चन आ सकता है आसान सा नंबर सिस्टम से भी मैं मानता हूँ कि इतना कोई हैवी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप निकाल लेंगे अब अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपका होगा प्रॉफिट अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका होगा लॉस इसी से बना है प्रॉफिट और लॉस आपको ये बताना है कि इसमें कितना लॉस हुआ है इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है इस चीज़ को फोकस रखना है लास्ट मिनट टिप्स जो है हम मैथ्स के लिए बना रहे हैं कोशिश करेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बना सकें आपको ये भी बताएंगे कितना वेटेज है कितना क्या नहीं है तो टाइम आप अपना सुधारिए टाइम एंड डिस्टेंस को देखिए अब कितने टाइम में आप कितना ज़्यादा वर्क करेंगे ये होगी आपकी एफिशिएंसी और इसी से बनता है टाइम एंड वर्क की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि कितने लोग कितने समय में इतना काम कर सकते थे
ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो ये इतने मैन और इतने वीमेन इतने दिनों में कर सकते हैं, तो बाकी लगाइए आप हिसाब कि आगे कितना हो सकता है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जांपल भी देता जा रहा हूँ साथ साथ जो मैंने टैकल किए हूँ एग्जाम में और आप भी टैकल कर सकते हैं, उनके मैं एग्जाम्पल देता जा रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, सीरीज के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, आपको सीरीज पहचाननी होती है और बस बना दीजिए, वो वाले सवाल होंगे। तो इतने से चीजों से बना है मैथ, अगर आप 4 या 5 अच्छे से घंटे से तैयारी करते हैं तो ये आप आराम से निकाल लेंगे। अब लोगों के दिमाग में भ्रम ये बना हुआ है कि एनटीए अगर एग्जाम करवा रहा है कंडक्ट तो मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा आएंगे, तो टेंशन की बात है नहीं, डीयू पेपर सेट करता है, डीयू पेपर सेट करेगा, एनटीए सिर्फ एग्जाम ले रहा है तो टेंशन की बात है नहीं। अब वेटेज वाइज अगर हम बात करें तो बेसिक अर्थमेटिक्स जो है वो 27% कवर करती है, डाटा इंटरप्रिटेशन 18, नंबर सिस्टम 11, परसेंटेज 10, प्रॉफिट लॉस 7%, रेशियो प्रोपोर्शन 8%, सीरीज 2%, टाइम एंड डिस्टेंस 7%, एवरेज 8% और टाइम एंड वर्क 2%। अब आप खुद देख लीजिए आपको किसको इतना समय देना है और कैसे क्या सब्जेक्ट्स करने हैं कवर। इसी के साथ हम मैथ्स के लिए वीडियो खत्म करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए बाकी वीडियोस ला सके। इंग्लिश के लिए मैं वीडियो सोच रहा हूँ कि लास्ट मिनट टिप्स कैसे दी जाएं, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। और कोशिश करेंगे कि मैथ्स वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द दिलाई जाए, उसके बाद इंग्लिश की वीडियो आए, उसके बाद जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा सब्जेक्ट की वीडियो आए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाली वीडियोज़ भी आ रही हैं, गर्मी बहुत है, गर्मी बढ़ी हुई है, एग्जाम भी माहौल है, गर्मी का माहौल है, अगर तापमान गर्म है तो आप भी एक्टिव हो जाइए। और मास्टर टिप हमारी ये रहेगी कि अगर आप मैथ्स छोड़ के जाते हैं तो हमें सिर्फ एक ही गाना याद आता है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो कोशिश कीजिए कि मैथ्स को करके जाएं, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देने वाला सब्जेक्ट है ये, और अगर आप मैथ्स करके जाएंगे तो आप अच्छे नंबर पाएंगे। अब जब लक्ष्य हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय है तो मैथ्स करके जाइएगा, और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे। भारत माता की जय, जय हिंद।